नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश और विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से दो दिन के दौरे पर मणिपुर आएंगे। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष ओकराम हिबोबी सिंह ने कहा कि राहुल यहां कई राहत शिविरों का दौरा करेंगे, साथ ही सिविल सोसाइटी के नेताओं, सीनियर सिटीजन और कई नेता भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम होंगे। बता दें, बुधवार को दिल्ली में दिनभर चली कांग्रेस की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिंहदेव को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि तैयार हम, महाराजा साहब को बधाई। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक देश भर में मानसून सामान्य से धीमी स्पीड से चल रहा है। अभी देश में 16% कम बारिश हुई है। हालांकि उत्तर पश्चिमी राज्यों में सामान्य से 42% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। देश के पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी राज्यों में 3 दिन मानसून सक्रिय रहने की अनुमान है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर आज सुबह फिर खोला जाएगा। बता दें, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड के आदेश पर बुधवार को इसे आमजन के लिए बंद कर दिया गया था कि मंदिर में शिवलिंग के आधार बेस का करीब 11 किलोग्राम सोना यानी गोल्ड 2021 से गायब है। हालांकि गायब हुए गोल्ड का अब तक पता नहीं चल सका है। त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले में बुधवार शाम इंस्कॉन मंदिर की ओर से निकाली जा रही जगन्नाथ यात्रा का रथ हाइटेशन तार की चपेट में आ गया। इसमें 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 18 लोग झुलस गए, जिन्हें अब गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑपरेशन थिएटर में हिजाब पहनने की परमिशन नहीं मिलने पर त्रिवंदमपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज की 7 स्टूडेंट ने प्रिंसिपल को लेटर लिखा है। स्टूडेंट ने लेटर में लिखा है कि उन्हें अपनी धार्मिक मान्यताओं के तहत हर समय अपना सिर ढकना पड़ता है और ऑपरेशन थिएटर के अंदर हिजाब पहनना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें उसके बदले में लॉन्ग स्लीव जैकेट और सर्जिकल हुड पहनने की अनुमति दी जाए। टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने अटलांटिक महासागर में गई टाइटन सबमरीन की मलबे को बुधवार को बाहर निकाला गया। पनडुब्बी 18 जून की शाम को पायलट समेत 4 टूरिस्ट को लेकर समुद्र में गई थी। बाद में इसमें विस्फोटक हुआ और सबमरीन में मौजूद 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। भारत का चंद्रयान 3 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इसरो के अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। हालांकि इसरो चीफ एस सोमनाथ ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा है कि 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाना है। फिलहाल सुबह की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।